हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पूनम शर्मा हेल्थ एंड ब्यूटी। होप यू आर डूइंग वेल फ्रेंड्स। गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ टिंटेड सनस्क्रीन का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। बट रिव्यू शेयर करने से पहले मैं टिंटेड सनस्क्रीन से रिलेटेड कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि फिजिकल सनस्क्रीन केमिकल सनस्क्रीन से ज़्यादा बेटर होते हैं, क्योंकि जो फिजिकल सनस्क्रीन होते हैं वो हमारी स्किन की अपर लेयर पर रहते हैं और जो केमिकल सनस्क्रीन होते हैं वो हमारी स्किन में एब्जॉर्ब करते हैं। तो फिजिकल सनस्क्रीन ज़्यादा सेफ होते हैं स्किन पर यूज़ करने के लिए। लेकिन जो फिजिकल सनस्क्रीन की प्रॉब्लम होती है वो होती है वाइट कास्ट। जब भी हम उसे अप्लाई करते हैं तो एक वाइट सी लेयर हमारी स्किन पे आ जाती है, जो काफ़ी टाइम लगता है उसको नॉर्मल होने में, या समटाइम्स वो जाती भी नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मार्केट में आते हैं टिंटेड सनस्क्रीन। तो गाइस, टिंटेड सनस्क्रीन फिजिकल सनस्क्रीन ही होते हैं, बस उसमें एक आयरन ऑक्साइड पिगमेंट डाला जाता है जिसकी वजह से उसका कलर जो है हमारे स्किन कलर से मैच होता है। तो जितने भी लोगों को फिजिकल सनस्क्रीन यूज़ करना है बट वो वाइट कास्ट से परेशान हैं, तो वो अपने आप को टिंटेड सनस्क्रीन में स्विच कर सकते हैं। बट यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि गाइस, ये कोई BBCC या फिर फाउंडेशन नहीं है, तो यू कैनॉट एक्सपेक्ट एनी सॉर्ट ऑफ कवरेज फ्रॉम दीज टिंटेड सनस्क्रीन। दे जस्ट एक्ट एज अ नॉर्मल फिजिकल सनस्क्रीन। सो फ्रेंड्स, टिंटेड सनस्क्रीन से रिलेटेड मैंने काफी पॉइंट्स कवर कर दिए हैं, सो लेट्स जंप इनटू द वीडियो नाउ। तो फ्रेंड्स, दिस इज द सनस्क्रीन विच आई एम टॉकिंग अबाउट। इस तरह के पंप पैकेजिंग में आता है ये, राइट? और ये है सिप्ला रिवेला टिंट सनस्क्रीन लोशन SPF 50। 3-स्टार रेटिंग इसमें गिवन है और ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। लिक्विड क्रिस्टल टेक्नोलॉजी यूज की गई है। विटामिन ई है विच इज वेरी वेरी मॉइस्चराइजिंग फॉर द स्किन। और 50 ml क्वांटिटी है। प्राइस है इसकी 590 rupees, ऑलमोस्ट 600 rupees। और ऑफलाइन ऑनलाइन बहुत इजीली अवेलेबल है। डर्मेट्स इसे काफी रिकमेंड करते हैं। तो इसके बैक साइड में इंग्रेडिएंट लिस्ट गिवन है, डायरेक्शन ऑफ यूज गिवन है, शेल्फ लाइफ है इसकी 2 years। तो ये तो हो गया जो इस पे मेंशन है। नाउ लेट्स टॉक माय टेक ऑन दिस प्रोडक्ट। सो फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट द कंसिस्टेंसी फर्स्ट। तो प्रोडक्ट की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की है, लोशन लाइक कंसिस्टेंसी है। कलर हमारे स्किन के कलर जैसा है। जैसे जैसे आप ब्लेंड करते हैं बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है, काफ़ी मॉइस्चराइजिंग लगता है बिकॉज इसमें विटामिन ई है। और यू कैन सी द ग्लो, एक ग्लो देता है। ये मैटिफाइंग सनस्क्रीन नहीं है, ये एक डूई फिनिश वाला सनस्क्रीन है, राइट? फ्रेग्रेंस इसमें नहीं है बिल्कुल भी, और किसी तरह की कोई इरिटेशन स्किन में नहीं होती है। अच्छा, जो लोग हमेशा से फिजिकल सनस्क्रीन नॉन टिंटेड वाले यूज़ कर रहे हैं, जब वो लोग इस सनस्क्रीन को यूज़ करेंगे तो इन स्टार्टिंग 4-5 एप्लीकेशन में उन्हें अपनी स्किन डल लग सकती है। बिकॉज जो नॉन टिंटेड सनस्क्रीन होते हैं उनमें वाइट कास्ट होती है, जब हम उसे अप्लाई करते हैं तो इंस्टेंट एक स्किन ब्राइटन्ड अप लगती है। तो इसको यूज़ करने के बाद 4-5 एप्लीकेशन में आपको वैसा फील नहीं होगा, बट जब एक बार आपकी स्किन इस सनस्क्रीन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करने लग जाएगी, देन यू विल स्टार्ट लाइकिंग दिस टिंटेड सनस्क्रीन, राइट? तो ये तो हो गया इस प्रोडक्ट के रिव्यू के बारे में। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी स्किन वाले इस प्रोडक्ट को यूज़ करें। सो फ्रेंड्स, नॉर्मल स्किन वाले, ड्राई स्किन वाले इस प्रोडक्ट को डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। ऑयली स्किन वाले, जो लोग वीकली बेसिस पर केमिकल एक्सफोलिएशन करते हैं वो लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आप केमिकल एक्सफोलिएशन नहीं करते हैं तो वो ऑयली स्किन वाले इसे यूज़ ना करें। आई एम रिपीटिंग दिस अगेन, अगर आप वीकली बेसिस पर केमिकल एक्सफोलिएशन करते हैं तो ऑयली स्किन वाले इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप केमिकल एक्सफोलिएशन नहीं करते हैं तो ऑयली स्किन वाले इस प्रोडक्ट को यूज़ ना करें। तो उनके लिए इसी कंपनी की एक नेक्स्ट रेंज आती है, 950 rupees का वो सनस्क्रीन आता है, वो स्पेसिफिकली ऑयली स्किन वालों के लिए। अगर आप टिंटेड सनस्क्रीन लेना चाहते हैं तो आप वो वाला ट्राई कर सकते हैं, ये ऑयली स्किन वालों के लिए नहीं है। सो फ्रेंड्स, आई वॉन्ट टू गिव वन टिप हेयर कि जब भी आप कोई नया प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो उसकी क्वान्टिटी को भी चेक करो। इफ़ योर स्किन इज फीलिंग ऑयली देन रिड्यूस द क्वान्टिटी ऑफ द प्रोडक्ट, इफ़ योर स्किन इज फीलिंग ड्राई देन इंक्रीज द क्वान्टिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो एक प्रोडक्ट को 360 डिग्री से यूज करो, देन टेक अ डिसीजन कि आपको वो प्रोडक्ट यूज करना है या नहीं करना है। बिकॉज जब तक आप एक प्रोडक्ट को हर तरह से यूज नहीं करोगे तब तक नहीं पता चलेगा वो स्किन पर आपके सूट कर रही है कि नहीं कर रही है, राइट? क्योंकि आप जब एक प्रोडक्ट लेके आते हो हमारे कहने पे और उसको यूज करना शुरू करते हो, और जैसे हमने बोला आपने स्टार्ट कर दिया यूज करना, ऐसे नहीं होता है। सबकी स्किन अलग अलग होती है, आप क्वांटिटी के साथ प्ले करो। अगर आपको टेम्पररी सूट नहीं करिए तो
स्टॉप कर दो, उसके बाद दोबारा यूज करो। तो हर तरह से प्रोडक्ट को यूज करो, देन मेक अ डिसीजन कि आपको वो प्रोडक्ट सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यूज करना है या नहीं करना है, राइट। सो फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट द रेटिंग ऑफ द प्रोडक्ट। आई विल गिव दिस प्रोडक्ट 4 out of 5, आई विल कट 1 marks। एक तो मुझे ये प्रोडक्ट थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगा, हालांकि टेंटेड सनस्क्रीन थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, बट 50 ml क्वांटिटी ₹600 इज बिट एक्सपेंसिव। उसके अलावा ये अगर आईज के पास थोड़ा सा लग जाता है गलती से तो बर्निंग सेंसेशन देता है, तो आईज को थोड़ा सा इरिटेट करता है इसीलिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि टिंटेड सनस्क्रीन जो होते हैं वैसे तो स्किन के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर जाते हैं, बट इन केस अगर टिंट स्किन पर नहीं जाता है तो स्किन थोड़ा सा डल बना सकता है। तो दीज आर द पॉइंट्स व्हिच मेक्स मी टू डिडक्ट 1 marks, अदरवाइज दिस इज सुपर प्रोडक्ट। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज रिव्यू। दिस इज अ नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो। ये प्रोडक्ट मैंने खुद परचेज किया है और इसे मैं यूज कर रही हूँ। इफ यू फाइंड दिस वीडियो प्रोडक्टिव एंड इन्फॉर्मेटिव, देन प्लीज लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। Till then, bye bye, take care and namaskar.